पांच बार की आईपीएल चैंपियन पांचवीं बार भी सीजन में पहली जीत दर्ज करने में चूकी है और उनके ओनर्स आकाश अंबानी इस समय काफी ज्यादा दुखी हैं। क्या हुआ था आज पंजाब के सामने मैच में सीन जिसके चलते बौखला गए थे एक समय पे आकाश अंबानी, बताएंगे आपको इस वीडियो में। क्रिकेट इन इंडिया का यूट्यूब पेज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लक्षित। जैसे कि हम जानते हैं मुंबई इंडियंस पांच बार चैंपियन रह चुकी है। आज उनका इस सीजन का पांचवा मुकाबला था जहां पंजाब किंग्स ने उन्हें एक बार फिर से ध्वस्त कर दिया है। 199 रनों का लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई इंडियंस की टीम रन नहीं बना पाई है, जहां 12 रनों से अंततः पंजाब किंग्स ने उनके सामने जीत अर्जित की है। जैसा हम देखते हैं आकाश अंबानी ने काफी छोटी उम्र से ही मुंबई इंडियंस की टीम का जो दारोमदार था वो अपने कंधों पे ले लिया था। ऑक्शन से लेकर टीम को ग्राउंड पे सपोर्ट करना, हर एक चीज में आकाश अंबानी हमेशा से आगे आते रहे हैं। मुंबई इंडियंस की टीम की बात करी जाए, इससे पहले मुकेश अंबानी उसके ओनर थे, लेकिन जब 2013-14 का सीजन था तब से आकाश अंबानी इस टीम को संभाल रहे हैं और काफ़ी बढ़िया तरह से संभाल रहे हैं, क्योंकि उनकी ओनरशिप के अंडर ही मुंबई इंडियंस की टीम वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल टीम बनी है। लेकिन जब टीम अच्छा नहीं कर रही होती है ओनर भी काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और आकाश अंबानी के चेहरे पे जो हम कहते हैं एक रूखापन था, थोड़े से निराश थे अपनी टीम की परफॉर्मेंस से, वो आज हमें ज़रूर एक बार फिर से देखने को मिला। लेकिन वो गुस्सा किस समय में बदल गया, कब थोड़े ज़्यादा चौंक गए और निराश हो गए थे वहाँ पे आकाश अंबानी, वो आपको बताते हैं अब। जी हाँ, ये बात चल रही थी दूसरी पारी में, दो ओवर्स में चाहिए थे मुंबई इंडियंस की टीम को वहाँ से 28 रन 26 गेंदों में 37 रन बना के सूर्य कुमार यादव जो कि एकमात्र उम्मीद थे वो मौजूद थे वहाँ स्ट्राइक पे। गेंदबाजी डालने आते हैं साउथ अफ्रीका की शान कगिसो रबाडा, जिन्हें पंजाब किंग्स ने इस आईपीएल ऑक्शन में 10 करोड़ की बड़ी वैल्यू दे के खरीदा है। पहली गेंद चौका आता है, उम्मीदें जागती हैं, बच जाते हैं 11 गेंदों में वहां पे 24 रन, फिर आते हैं दो रन, तीसरी गेंद रहती है डॉट, लेकिन चौथी गेंद पे होता है कुछ ऐसा जिससे सारे मुंबई के फैंस तो निराश हो ही गए थे। खेमा जो था उनका डगआउट था वो भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गया था, लेकिन वहाँ पे आकाश अंबानी उस गेंद के बाद कुछ ऐसा हो जाता है कि काफ़ी ज़्यादा टेंस और परेशान दिख रहे थे वहाँ पे, उम्मीद हार चुके थे वहाँ पे, क्योंकि चौथी गेंद पे आती है सफलता वहाँ पे सूर्य कुमार यादव की और वो सफलता लेके आती है पंजाब किंग्स की जीत का पैगाम, जहाँ पे ओडियन स्मिथ ने एक शानदार कैच कंप्लीट किया था। गेंद थी वो कगिसो रबाडा की और आई थी विकेट वहाँ पे सूर्य कुमार यादव की, महज 43 के स्कोर पे, और उस समय 22 रन दूर थी मुंबई इंडियंस की टीम। 6 गेंदों में फिर चाहिए थे 22 रन, ओडियंस में तो आखिरी ओवर में 3 विकेट्स ले लेते हैं और हार मिली थी यहाँ पे मुंबई इंडियंस की टीम को। लेकिन जो सबसे बड़ी बात थी यहाँ पे, ओनर आकाश अंबानी भारत के सबसे अमीर परिवारों में से एक, वो भी इस चीज़ से ज़रूर थोड़ा सा निराश हो गए थे। इसीलिए कहते हैं कि पैसा आपको कभी खुशी नहीं दे सकता, इट्स ऑल द इमोशन दैट क्रिकेट ब्रिंग्स इन अ पर्सन, वही इमोशंस हमें आज देखने को मिले आकाश अंबानी के चेहरे पे। अब हालांकि अब उनकी टीम यहाँ पे जो पांच बार चैंपियन रह चुकी है, पांच में से पांचों मुकाबले अब हार चुकी है, क्वालिफाई करने का जो सिनेरियो है वो यहाँ से मुंबई के लिए रास्ता काफ़ी ज़्यादा कठिन हो जाता है। देखना होगा आने वाले मैचेस में क्या मुंबई इंडियंस की पलटन, क्या टीम यहाँ पे मुंबई इंडियंस की कर पाएगी वापसी या नहीं। लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, कमेंट सेक्शन में आप बताइए आपकी क्या राय है इस सारे सिनेरियो के बारे में और सब्सक्राइब कर दीजिए क्रिकेट इन इंडिया के यूट्यूब चैनल को जानने के लिए आईपीएल और क्रिकेट से जुड़ी हर एक ताज़ा अपडेट, वो भी सबसे पहले।